सो लेट स्टार्ट। तू करेगा भाई? मेरे पास डिग्री है, हमने 8वीं कक्षा में मैंने डिग्री की थी। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, स्कूल है। MSCIT वाली डिग्री हो? MSCIT वाली डिग्री नहीं है। आगल बनाते तो जी हाँ भाई बहनों, आप सबका स्वागत है एक नए वीलॉग में। और इस वीलॉग में ना मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि ये रेंट पे है। ये सब रेंट पे नहीं है। एक सेकंड, PS5 भी मेरी है, ये भी रेंट पे नहीं है, खुद खरीदा है। ये PC है ना, रेंट पे। क्या है, जब लेना था तभी थोड़ी जेब ढीली थी, दिल में था PC रहना चाहिए, लेकिन क्या करे, पैसा मजबूर कर देता है, तो ये मैंने रेंट पे ले लिया था। लेकिन ये जब लिया था तभी से लेकर अभी तक इसके ऊपर मैं इतना रेंट भर चुका हूं ना कि पूरा क्या 1-2-3 PCs आ जाते थे इसमें। तो अभी लेकिन इट्स टाइम वी शुड बाय अ न्यू PC। और बाय करना तो बॉब द बिल्डर के इसमें है नहीं, तो हम बनाएंगे एक नया PC। तो वो कहते हैं ना कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात कहती है तुम्हें कि जाके ले ले। तो उसी तरीके से मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहिए था PC। तो मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट किया और मैंने बोला कि एक्चुअली मेरा कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, बोला देखो PC चाहिए, मैंने बोला हाँ चाहिए, तो बोलते आके ले ले। तो चलो चल के PC ले लेते, आपको दिखाता हूँ PC बिल्डिंग कैसे होता है, चलो। तो हम लोग आ गए हैं विले पार्ले में, एलाइट हब में। यहाँ पे है ना PCs बनते, PCs मिलते। तो अभी अगर PC का प्रॉब्लम हो तो PC के शोरूम में जाना पड़ेगा ना। तो ये PC का शोरूम है। ये है सचिन भाई, कूलर मास्टर की तरफ से, और इन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि लेट्स कम टू एलाइट हब एंड गो फॉर अ वेरी गुड PC। और भाईजान से हाय, आई एम जय, I'm from Elite Hubs. We specialize in building everything. Everything. Basically, यहाँ पे अगर आपको कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, मॉनिटर चाहिए, हेडफोन चाहिए, PC चाहिए, PC तो है ही है, PC के अंदर की चीजें चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, जो चाहिए, पंखा चाहिए, सब मिलेगा यहाँ पे PC से रिलेटेड। आपको दिख ही रहा है इतना बड़ा ऐसे शोरूम है। ऐसे शोरूम में यूजुअली लैम्बोर्गिनी और फरारी रखते हैं। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फरारी के लेवल के PCs रखे हुए। भाई सच्ची में देखो क्या लग रहा है, मैं अपना PC इधर बेच देता हूँ, यहाँ से नया PC लेता हूँ। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। काम करते चोर के घर पर चोरी करते। वेरी गुड। मैंने जय भाई को और सचिन भाई को पहले ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दी थी कि मुझे ऐसा PC चाहिए, मुझे ये कंपोनेंट्स चाहिए, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त सजेस्ट किया। नाउ वी विल गो फॉर दैट एंड आपने सारे कंपोनेंट्स मंगा लिए, सब रेडी करके रखे। बट आप एक मार्वल फैन है ये मुझे पता है, बिकॉज आई फॉलो योर व्लॉग्स। तो आपके लिए स्पेशली एक सरप्राइज है, जो ग्राफिक कार्ड आपने मंगवाया था 4070 Ti का एम्प एरो, आपने नॉर्मल एडिशन मंगवाया था, हमने मार्वल का स्पाइडरमैन एडिशन मंगवा के रखा हुआ है। तो ये मुझे देखना है यार, जल्दी करो, लेट्स स्टार्ट असेंबली। तो ये रहा आपका सरप्राइज, आपके लिए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वाला कार्ड मंगवाया है ज़ोटा का, एंड दिस इज द फर्स्ट कार्ड इन इंडिया। अभी आपका PC इतना डिले किया हमने, तो वी वर लाइक कि कोई रीजन है, सो दिस वाज द रीजन। ज़ोटा का गेमिंग कार्ड जो कोलैबोरेशन है स्पाइडरमैन के अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के, इंडिया में रिलीज होने वाली है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जिसमें हमारा सबसे पहला स्पाइडरमैन है पवित्र प्रभाकर, जिसकी आवाज किसने दी है, शुभमन गिल ने, GT का राजा, और साथ ही साथ 10 लैंग्वेजेस में आने वाली है। और ज़ोटा का कार्ड क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें आती है 5 साल की वारंटी, कोई भी कार्ड देता है ज़ोटेक देता है, इसलिए गो फॉर दिस, ये तो लिमिटेड एडिशन है, इंडिया का पहला कार्ड मेरे लिए। सो दिस इज TD500 मेश V2, इट इज अ टाइप सी कनेक्टर फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर, ARGB लाइट दैट कैन बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू योर रूम सेटअप, दिस केस इज परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर कीपिंग योर PC पार्ट्स कूल, मच मोर स्पेस फॉर इवन RTX 4090 टू फिट इन दिस केस, इट कम्स विद 2 years ऑफ वारंटी। This is PL360 Flux, performance series CPU cooler by Cooler Master. It can easily handle the processors like i9-13900K with very quiet operation and sleek design. It comes with 5 years of warranty. This is MWE 850 Gold V2. It's a reliable PSU for all your components to be safe. It's a 80 plus gold rated PSU. It has a max power of 850 watt which is right now required for my whole setup. It comes with 5 years of warranty. So
सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ पीसी। नहीं, मैं कुछ ऐसा बचपन का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स हैं। सो अभी अपन लोग ये सब फिट करेंगे कैबिनेट में और उससे बनाएंगे अपना खुद का पीसी। सो लेट स्टार्ट। तू करेगा? हाँ ऑब्वियसली मैं करूंगा, और कौन करेगा भाई, मेरे पास डिग्री है। समझे, मैं 8वीं कक्षा में मैंने डिग्री की थी। ये अपना हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, स्कूल है, वहाँ पे जाके मैंने डिग्री हासिल की है हार्डवेयर असेंबलिंग की। बचपन में ये सब काम करता था। MSCIT वाली डिग्री हो तो MSCIT वाली डिग्री नहीं है, MSCIT वाली डिग्री नहीं है, प्रॉपर हार्डवेयर डिग्री है। यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा एडिट में। कोई ऐसे ये पागल है जशु कुछ भी बोलता है, ऐसे ही मेरे को बॉब द बिल्डर नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये रैम है, चल पता रैम कितना डालेगा। इतनी सारी चीजें इसमें, तो रैम कार्ड आने का मेरे को एक चीज बता दे। रैम याद आएगा? नहीं याद आएगा। जिधर देखो बड़ी लाइन दिखी उधर बोलेगा ना तो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देख रहे फिट बैठता है ना। घर पे मैं जब पत्थर अत्थर भी लगा रहा था ना, तो कैसा है बैठते, ऐसे चार पत्थर लगाने का, पांचों पत्थर की जगह तो तोड़ के आधा पत्थर घुसाने का। तो मेरे दिमाग में ऐसा ही है, जो काम जिसका है उसको करने दे। तो नहीं भाई, अरे तू व्लॉगिंग कर भाई, तू व्लॉगिंग कर ना, तू मतलब पीछे तो उतार रहा है। नहीं तू करने देना उनको, पीछे तो उतार रहा है। नहीं नहीं चल तू कर, चालू कर इसको, दो तो इसको, इसको वायर वायर दो जो भी डालने का। यहाँ पे आ जाओ, आपको आता है ना पीसी बिल्डिंग? इनका, इनको बहुत दिल था, मन था बचपन से कि मैं एक पीसी बिल्ड करूं। तो आज मैं इनको बोलूंगा कि पीसी बिल्ड करे मेरे लिए। ऐसा नहीं मुझे नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना मेरे को नहीं आता है, बट इनका क्या बहुत मन था, तो मैं किसी का मन मारना नहीं चाहता। तो इसके लिए आप चालू करो, आप चालू करो, मैं बैठा हूँ, मैं असिस्ट करने के लिए चालू। हमारा पीसी रेडी है, विच इज अ स्पेशल एडिशन पीसी। सो थैंक यू सो मच टू इलाइट हब, कूलर मास्टर एंड ज़ोटेक, जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि मेरा पहला गेमिंग पीसी, एक्चुअली ऑफिशियल पहला गेमिंग पीसी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो रेंट पे था। आप बताइए मेरे ऑडियंस को, इलाइट हब के ऐसे USPs क्या है जो इलाइट हब में ही आया? आप अगर एक माउस ले रहे, कीबोर्ड ले रहे, तो एक महंगी आइटम है, आप ट्राई करना चाहेंगे लेने से पहले? तो हमने यहाँ पे मेजोरिटी पेरिफेरल्स खोल के रखे हुए, तो आप आइए, आप ट्राई कीजिए, आपको जो पसंद आए और जो जमे वो आप लीजिए। यहाँ पे आओ, ट्राई करके देखो, सेटिस्फाइड हो तो लेके जाओ, वरना फिर घर जाके ये मत बोलना कि यार मजा नहीं आया, वापस ले लो यार, तो वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है वो चीज। आए जो लोग मुंबई के नहीं है, जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनको अगर हम पीसी असेंबल कराना था, उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, तो उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि वो वेबसाइट पे हमारे जा सकते हैं, एंड खुद अगर उन्हें पता नहीं कि कौन से पार्ट लेना, तो वो लोग कस्टमाइज करके ले सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें पता है कि मेरे पास अगर आज मेरा 1,00,000 रुपए का बजट है, तो हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो उन्हें गाइड करते हैं इन एंड आउट। एंड आप दूसरे सिटीज है, आपको पीसी बनाना है, गिव यू अ 2K लाइव स्ट्रीम ऑफ द पीसी बिल्ड एग्जीबिट, आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स के सील कट होंगे, आप चेक कीजिए, यहाँ तक कि आपकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग रिपोर्ट मिलेगा, सील प्रोडक्ट्स के सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे, A to Z वॉक थ्रू होगा एंड अपडेट्स होंगे। तो बेसिकली आपके सामने सील कटेगा, वो निकलेगा, वो लगेगा, लाइव स्ट्रीम रहती है, वो वाली लाइव स्ट्रीम नहीं है, इधर भी लगा दिया, प्रॉपर लाइव स्ट्रीम है, तो ऑथेंटिक पार्ट से एकदम। फिर ये नहीं बोलेगा भैया तो सील टूटी हुई थी, अंदर से प्रोडक्ट कुछ और था, ज़ोटेक का मंगाया है, जोबैक का आया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी आपको मैं घर पे मिलता हूँ, भी काम बाकी है ना इसका, तो घर पे चलू। It's a small gift from Zotac to you. It's a very limited box. जो हमने बनाया था, it's like 20 of these we made. So I am the one of the 20 lucky people who is getting this box. अभी नहीं, इसका reel बनाऊंगा, अभी नहीं। त
तो ये है पीसी और ये है मॉनिटर। वो क्या है ना, ये रेंट का है, ये भी रेंट का है, तो ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, इसको इधर सरका देंगे, इधर मॉनिटर लगा देंगे और उसकी जगह पे ये सीपीयू लगा के कनेक्ट करके खत्म खत्म। यार केबल मैनेजमेंट तो बहुत गंदी है तुम्हारी, सामने जब तक नहीं दिख रहा है तब तक बेस्ट है। इतना कचरा है, सारी बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पर, मतलब आई लव वायर्स। आई डोंट लाइक, मैं ब्लूटूथ भी लेता हूँ तो वायर वाला ब्लूटूथ लेता हूँ। यस आई लव वायर्स। मैं बताऊँ सिंपल तरीका क्या कर सकते क्या? सुन, अबे वहां से पीसी उठा है, पीसी पे चीजें लगी हुई थी, बरोबर वही चीजें तेरे को अपनी पीसी पे भी लगानी है जो तूने बिल्ड किया है, बरोबर। तो पीसी उधर ही रख दे और वायर ऑफिस कनेक्ट कर देना। कचरे का कौन क्या करेगा, कचरा तो नया कपड़ा बिछा दी। जब माँ का फटका लगता है ना तो 15-20 दिन तक तो ऐसे ही घूमते। टेबल हो चुका है साफ, मॉनिटर साफ नहीं करेंगे, मॉनिटर को अनबॉक्स करेंगे। करेगा सच्ची करेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आएगा करेगा, हे हिम्मत करेगा। ये लग गया है यार, वो देखो हमारा काका, दादा की उम्र 30 हो गई ना, होता है दादा, बैठो आप थोड़ी देर। 30 का नहीं हूँ मैं, 22 का हूँ। ए मेरी उम्र चुरा था, दिल से 22 का हूँ जैसा ही और दिमाग से दिमाग से तो पैदल हूँ भाई, वो काउंटिंग सिस्टम में नहीं आता। भाई ने 2 घंटे का ब्रेक लिया, आया कुछ नहीं, ऐसे सॉस चबा रहे कब से, रात के हुए 12:15 और अब तो हमने काम कम्प्लीट नहीं किया, अभी होगी अनबॉक्सिंग। So this is it guys, हमारा PC अपनी जगह पर आ चुका है, ऑन हो चुका है and finally I have my own gaming PC। और हाँ, मैंने जिस चीज के लिए बोला था एंड तक रुकना, तो मुझे आप लोग को ये बताना था कि Elite Hub एक गिव अवे कर रहा है ऐसे PC का, ये PC का नहीं, अलग PC है, उसका गिव अवे है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स ये डिस्क्रिप्शन में है, तो गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सारे के सारे जो भी कॉम्पोनेंट्स है उनकी सारी की सारी चीजें डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में। सो अभी ये PC आ गया है तो अपन लोग गेमिंग करना शुरू करेंगे ऑन हाइला जादू, एंड वहां पे गेमिंग के साथ साथ एक नए टाइप का कंटेंट आने वाला है विच इज पॉडकास्ट। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं पॉडकास्ट शुरू करूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी फन चीजें पॉडकास्ट पे शेयर करने के लिए, एंड ऑल्सो मेरे साथ बहुत सारे फन लविंग क्रिएटर्स आने वाले हैं जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ। बाकी तो आपको पता है, आप है तो हम है, हमें तो चल रही गाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।